नमस्कार, मैं प्रिया। आज 11 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पंचतत्व को विलीन हुए रामविलास पासवान। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दीघा के जनार्दन घाट से विदाई दे दी गई, जहां पर उनके बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। जानकारों की माने तो अपने पिता को विदाई के दौरान चिराग पासवान बेहद ही भावुक नजर आए। इससे पहले भी पार्टी कार्यालय में अपने पिता को श्रद्धांजलि देते समय चिराग पासवान रो पड़े थे। उसके साथ ही वहां मौजूद लोग भी बेहद भावुक हो गए थे, जिसके बाद कार्यालय परिसर का माहौल बेहद ही गमगीन हो गया। हालांकि रामविलास पासवान से मिलने पहुंचने वालों की लंबी कतार देखने को मिली थी। रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे तो हर किसी को एक न एक दिन जाना है, लेकिन इस प्रकार से किसी के जाने पर भारी पीड़ा और तकलीफ होती है। BSMCFL ने असिस्टेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने अकाउंट असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट और प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट पद के लिए 142 पदों पर आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.sudha.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन भरने की अंतिम तारीख 7 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवार के पास एक प्रतिष्ठित संगठन में 2 साल के अनुभव के साथ कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री होना अनिवार्य है। विपणन के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। खरीद सहायक उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान, कला, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। बिहार के शरद सागर का केबीसी एक्सपर्ट के तौर पर किया गया चयन। बिहार के 28 वर्षीय सामाजिक उद्यमी का चयन केबीसी में किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन ने बिहार के शरद सागर को कौन बनेगा करोड़पति के प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया था। टीवी के इस लोकप्रिय शो में शामिल होने वाले पहले बिहारी हैं। आपको बता दें, 28 सितंबर से कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हो चुकी है। वहीं केबीसी में निमंत्रण मिलने पर शरद सागर ने कहा कि अमिताभ बच्चन सबसे महानतम एवं प्रशंसित भारतीयों में से एक है। एक सदी के महानायक के साथ राष्ट्रीय टेलीविजन पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिहार के 900 पुलिस स्टेशनों में लग गया सीसीटीवी। थानों में होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए रखने के लिए बिहार के 900 पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। राज्य के 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। वहीं थाना राज्य के 40 जिलों के अलावा 4 रेल पुलिस जिलों के अधीन होंगे। मिली जानकारी के अनुसार लगातार पुलिस द्वारा गलत बर्ताव करने की शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। यही वजह है कि सभी थानों को लगभग सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उन जगहों पर भी सीसीटीवी की नजर होगी जहां थानों का कामकाज निपटाया जाता है। पटना के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। राजधानी पटना में पर्यटकों के लिए घूमने फिरने की कई जगह काफी मशहूर है, जहां बिहारवासी साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र से आए लोग घूमने आ सकते हैं। जिनमें से एक है विस्कोमान भवन में बना रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। विस्कोमान भवन की 18वीं मंजिल पर स्थित पटना के सबसे ऊंचे टावर के ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जैसा कि निर्धारित किया गया जर्मन तकनीकों के समर्थन में 45, 60 और 90 मिनट में एक चक्कर लेता है। गुप्तेश्वर पांडे ने गलत आईडी बनाने वालों पर की टिप्पणी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अब एक बार फिर से उनके किए गए ट्वीट पर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि कई बार मेरे नाम से गलत आईडी बनाकर कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। मेरी तरफ से ऐसे गलत आईडी को लेकर सख्ती देखी गई है, मगर एक बार फिर से ऐसी हरकतें शुरू हो गई हैं। दोबारा से कुछ लोग शरारत करने पर उतर आए हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आया जाए। स्कॉर्पियो में मिले 40 लाख रुपए। खजांची थाना अंतर्गत थाना चौक पर शुक्रवार के शाम वाहन जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन जांच के क्रम में एसएसटी यानी कि स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक स्कॉर्पियो में 40 लाख रुपए को जब्त किया है। एसपी विशाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग के स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और फिलहाल रुपयों की जांच की जा रही है, जिसके बाद यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किस तरह का पैसा है। कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,94,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,140 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बिहार में बढ़कर 1,94,966 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 57, अरवल में 7, औरंगाबाद में 22, बांका में 13, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 36, भोजपुर में 9, बक्सर में 7, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 36, गोपालगंज में 22, जमुई में 17, जहानाबाद में
में 27, कैमूर में 1, कटिहार में 23, खगड़िया में 4, किशनगंज में 34, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 38, नालंदा में 40, नवादा में 20, पटना में 255, पूर्णिया में 58, रोहतास में 30, सहरसा में 69, समस्तीपुर में 11, सारण में 35, शेखपुरा में 19, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 17, सुपौल में 25, वैशाली में 23, पश्चिम चंपारण में 19 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 183,007 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 944 लोगों की जान जा चुकी है। पटना हाईकोर्ट में बना स्टूडियो कोर्ट, देश में पहली बार पटना हाईकोर्ट में स्टूडियो कोर्ट का निर्माण करवाया गया है। हाईकोर्ट परिसर स्थित एक न्याय कक्ष में जज को बैठने और दूसरे कोर्ट रूम में वकीलों को बैठने की व्यवस्था की गई है। एक रूम में दूसरे रूम में वकील अपना पक्ष वीडियो सिस्टम से रखेंगे और जज पूरे मामले का फैसला सुनाएंगे। इसके साथ ही 2 एकलपीठ का निर्माण भी करवाया गया है। जो वकील अपने घर के बजाय कोर्ट में आकर बहस करना चाहते थे, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई भी जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना माहौल के बीच कई युवा वकील फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ऋषिकेश सुलभ के बारे में। ऋषिकेश सुलभ एक हिंदी लेखक है जिनका जन्म बिहार के सिवान जिले में 15 फरवरी 1955 को हुआ था। ऋषिकेश सुलभ लघु कथाओं और लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशिया शिलाई में जाने जाते हैं। उन्होंने 1980 और 2015 के बीच ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया था। वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और युवा लेखकों, कवियों, थिएटर कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के साथ लेखन और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें उनके काम के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, अनिल कुमार मुखर्जी शिखर सम्मान, रामवृकेश बेनीपुर सम्मान और पाटलिपुत्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार आज खाने खाने को है मोहताज। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की चर्चा शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भोला पासवान शास्त्री का परिवार आज पैसे पैसे के लिए मोहताज है। पूर्णिया जिले के बैरगाछी गाँव में रहने वाले भोला पासवान का परिवार वर्तमान समय में जर्जर घर में रह रहा है। ऐसा घर जिसकी छत बारिश के समय टपकती है। इन्हीं हालात में यह परिवार सालों से यहां जीवन बिता रहा है। 3 बार बिहार की जनता का नेतृत्व वाले पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में उनके नाम की सड़क तो है, मगर परिवार के पास भोजन नहीं है। भोला पासवान की अपनी कोई संतान तो नहीं है, मगर उनके भतीजे बरिंजी पासवान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नेताओं को केवल उनकी याद चुनाव के समय में वोट मांगने के दौरान आएगी। अपने पिता को मुखाग्नि देते वक्त बेहोश हुए चिराग। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद लोजपा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वहीं बीते दिन उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी गई है। वहीं मौके पर चिराग पासवान बेहद ही गुमसुम नजर आए। वहीं रामविलास पासवान के समर्थक भी उनकी इस यात्रा में बेहद ही भावुक नजर आए। दीघा के जनार्दन घाट पर सभी की आंखें नम नजर आई। कुछ लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते देखे गए और परिवार वाले भी मौके पर एक दूसरे को संभालते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के दौरान चिराग पासवान बेहोश हो गए थे, जिसके बाद कई परिवारजन उनकी तरफ उन्हें उठाने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में मधुबनी पेंटिंग के जरिए महिलाओं को मिलेगा रोजगार। इस बार विधानसभा चुनाव में कोरोना के माहौल के बीच चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं चुनाव के दौरान इस बार मधुबनी पेंटिंग करने वाले कलाकारों को रोजगार के बम पर अवसर मिलने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बार राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए और उनके झंडों और मास्क पर चुनावी चिन्ह के लिए मधुबनी पेंटिंग और मुजफ्फरपुर की लुप्त हो रही कथा कसीदा का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा करने से बिहार की महिलाओं के कला का नमूना पेश करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाए जाएंगे। कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन मिथिला पेंटिंग की मांग से कई लोगों के लिए रोजगार का एक नया अवसर खुल गया है। इस साल बिहार में मॉनसून रहा मेहरबान। दक्षिण पश्चिम में मॉनसून इस साल राज्य पर काफी ज्यादा मेहरबान नजर आया है। प्रदेश से सामान्य से 25% अधिक बारिश भी दर्ज की गई है। इस साल मॉनसून इतना मेहरबान है कि अब तक 1272.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे राज्य के किसान काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट भी नजर आए हैं। धान की फसल प्रदेश में लहलहा रही है। मॉनसून की अच्छी बारिश होने से उम्मीद है कि पैदावार भी ठीक होने लगेगी। हथिया नक्षत्र में हुई बारिश से धान की फसल के साथ साथ रबी की बुआई में भी मदद मिलेगी। हालांकि अब मॉनसून के लौटने का वक्त हो गया है, जिससे कि आज भी कई जगहों पर बारिश की झलक देखने को मिल सकती है।
वाल्मीकि नगर में मिला दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ। बिहार के वाल्मीकि नगर में अनोखा कछुआ देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर के गोल चौक के पास शिवपुरी मोहल्ले में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ पकड़ा था। हालांकि बाद में पकड़े गए कछुए को जटाशंकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के निदेशक हेमकांत रॉय ने बताया कि एलोंगेटेड प्रजाति के कछुए को बरामद किया गया। यह कछुआ नेपाल, बांग्लादेश, भारत, लाओस में पाया जाता है। भारत में इसे पीला कछुआ के नाम से जाना जाता है। रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की उठी मांग। बीते दिन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दे दी गई है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को सही मायने में सम्मान देने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने लिखा कि शोषितों, वंचितों और दलितों के उत्थान के लिए हमेशा मुखर रहने वाले और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने वाले, आजीवन कार्य करने वाले महान राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। वहीं चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल मिलाकर 30 नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहले 5 स्टार प्रचारकों के नाम है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मीरा कुमार और गुलाम नबी आजाद के नाम का जिक्र किया गया है। वहीं सूची में अन्य नेताओं का नाम भी शामिल किया गया है। नामांकन से चूके नेताओं को भाजपा ने दिया अल्टीमेटम। बागी नेताओं को अब बख्शने के मूड में भाजपा नजर नहीं आ रही है, बल्कि ऐसे नेताओं पर अब और ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिन जिन नेताओं ने अब तक नामांकन कर दिया है, उन्हें नाम वापस देने की तारीख तक का समय दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने फोन करके ऐसे नेताओं को साफ कहा है कि वो नाम अपना वापस ले लें, वरना उन्हें 6 साल के लिए दल की प्राथमिक सदस्यता से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि दल के इस संदेश का बागियों पर कितना असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें, पहले चरण के लिए कुल मिलाकर 71 विधानसभा सीटों के लिए 1357 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा सरकार द्वारा सम्मानित महिला मुखिया को राजद ने दिया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का दौर जारी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक लोकप्रिय महिला मुखिया को विधानसभा का टिकट दे दिया है। इस मुखिया को कुछ साल पहले ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज में उनके सराहनीय कार्य को लेकर सम्मानित भी किया था। ऋतु जायसवाल सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा ब्लॉक के सुदूर राज सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया है। राजद में उन्हें परिहार विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल की नौकरी छोड़ने पर और अपने IAS पति के साथ आरामदायक जीवन को त्याग कर ऋतु जायसवाल ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया था। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए 36 से अधिक प्रत्याशियों को बांटे गए सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन जारी है। इस फेज में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर बताई गई है। इसी बीच राजद ने दूसरे चरण के लिए अपने हिस्से में आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक सीटों प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर से राजद का सिंबल दे दिया गया है। वहीं लवली आनंद सुपौल से राजद की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि राजद ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बिहार चुनाव में छात्र नेता करेंगे डोर टू डोर प्रचार। आगामी विधानसभा चुनाव में वाम दलों के युवा नेता को मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत जल्द ही अब बिहार में चुनावी प्रचार के लिए दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल से वाम दलों के छात्र नेता पहुंचने वाले हैं। ये सभी नेता बिहार पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं। इसी क्रम में वाम दल के पक्ष में JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का जत्था पटना पहुंच चुका है। उनके साथ कई विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार NSAI बाला पटना पहुंच चुके हैं। वहीं IC घोष और अध्यक्ष गीता कुमारी आशुतोष कुमार पटना आने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी के नाम पर जारी किए गए बयान से शुरू हुआ बवाल। अक्सर सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के खराब परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को खूब भला बुरा कहा जाता है, मगर कुछ यूजर अपनी सीमा भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ महेंद्र सिंह धोनी के साथ देखने को मिला है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई के खराब मैच के बाद ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया था। वहीं एक यूजर ने तो हद पार कर दी। उन्होंने धोनी की 5 साल की बेटी पर निशाना साधा है, जिसके बाद माहौल काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। धोनी के रांची स्थित घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही इस पूरे मामले पर सभी खिलाड़ियों ने ट्रोलर्स की भी क्लास लगाई है। आज है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज ही के दिन 1942 में हुआ था। अमिताभ बच्चन को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं। अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन अभिनेता तो है ही, साथ ही वो एक प्रोड्यूसर, टेलीविजन होस्ट और प्लेबैक सिंगर भी है। अमिताभ बच्चन के नाम आज कई किरदार दर्ज है, मगर उनके चर्चित होने की कहानी साल 1970 में हुई, जब उन्होंने अपनी फिल्म जंजीर में काम किया। इस फिल्म के बाद उन्हें दीवार और शोले में भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी उनके किरदारों की खूब सराहना हुई। अमिताभ बच्चन को उनके
काम के लिए अब तक कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड समेत कई पुरस्कार के नाम शामिल है। इतना ही नहीं, जल्दी अमिताभ बच्चन की नई फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। गूगल ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए जारी किए नए फीचर। गूगल ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए नए फीचर को जारी कर दिया है, जिसे कि नए और पुराने दोनों वर्जन में अब देखने को मिलेगा। यह नए एंड्रॉइड फीचर गूगल असिस्टेंट डुओ, फोन ऐप और बाकियों के लिए पेश किया गया है। गूगल असिस्टेंट के शुरुआत करें, इसके साथ ही गूगल पर वीडियो कॉलिंग ऐप डुओ में भी अब स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर सकते हैं। गूगल अब स्पैम कॉलर्स को भी रोकने का काम करेगा। इसके साथ ही साउंड नोटिफिकेशन भी ऐड कर दिया गया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,540 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,540 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.80 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जलंधर शेखर, जयशंकर कुमार, रवि रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के दुनिया को अलविदा कहने से लोजपा पर कितना असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।